याकूब 3:17 पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। नीति वचन 9:10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। प्रिय मानमिन के सदस्यों, आज का संदेश अच्छे से पढ़ाई करने के भेद संदेश का चौथा भाग है। पिछले भाग में मैंने बताया था कि अच्छे से पढ़ाई करने के लिए एक विद्यार्थी का IQ लेवल और एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं वो परिस्थितियाँ उन पर लागू नहीं होती, और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कुछ ही शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अच्छे से पढ़ाई करने के भेद के बारे में प्रचार करने का कारण यह है कि पढ़ने के लिए जिन विद्यार्थियों में शारीरिक परिस्थितियों की कमी है, जैसे कि अच्छा IQ और एक अच्छे वातावरण का होना, वे पिता परमेश्वर में विश्वास करने से अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, मैंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की है और अच्छे से पढ़ने के लिए भेद पूछे हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ कि हमारे मानमिन के विद्यार्थियों के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ तरीके होंगे, और मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर अच्छे से पढ़ाई करने के भेद नामक शीर्षक के संदेश बन गए। इस प्रकार यदि आप इन संदेशों पर विश्वास करते हैं और उत्सुकता से आप इन संदेशों पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं, तब आप उन चीज़ों को करने के योग्य हो जाएंगे जो आप पहले नहीं कर पाते थे। आज के संदेश में मैं आपको उन लोगों से परिचय कराऊंगा जिन्होंने मुश्किल वातावरण पर काबू पाया और अच्छे से पढ़ाई करने की भेद की तीसरी शर्त की ओर बढ़ेंगे। मानमिन के विद्यार्थियों और सदस्यों, पिछले भाग में अच्छे से पढ़ाई करने की भेद की दूसरी शर्त थी कि आसपास का अच्छा वातावरण होना चाहिए। यदि उनके आसपास का वातावरण अच्छा है तो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि विद्यार्थी खराब वातावरण पर काबू पा लें तो भी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी की पढ़ाई में बाधा डालने में वास्तव में आसपास का वातावरण नहीं है, परंतु संसार का नकारात्मक प्रभाव है और अन्य कारण, जैसे कि शारीरिक विचारों के साथ लोग बड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं और बिना विश्वास के अंगीकार करते हैं। जब आप पिता परमेश्वर पर सच्चे विश्वास के साथ निर्भर रहते हैं तो आप आसानी से वातावरण की विभिन्न बाधाओं पर काबू पा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी बान की मून एक असाधारण व्यक्ति था जिन्होंने कठिन वातावरण का प्रयोग फायदे के लिए किया। उन्होंने कमजोर परिस्थिति को सफलता में बदल दिया। कोरियन युद्ध के तुरंत बाद प्रारंभिक स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया, जो कि एक टूटी हुई स्कूल की बिल्डिंग में बना हुआ था। उस समय एक गरीब देश में जहां युद्ध हो रहा था, वो एक जवान लड़का था। वे उन छोटे बच्चों में से एक थे जो एक चॉकलेट के लिए US ट्रूप्स का पीछा करते थे, जो कि शीत युद्ध के दौरान रुके हुए थे। यद्यपि जनरल सेक्रेटरी मून ऐसे कठिन वातावरण में बड़े हुए, वे विशाल संसार के लिए उत्सुक थे और बहुत से विदेशी लोगों को देखते थे जो कि गरीब देश कोरिया की मदद करने के लिए आते थे। उनकी अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन उस समय कुछ ही किताबें उपलब्ध होती थी। बदले में इस तरह के कठोर वातावरण ने उत्साहपूर्वक अंग्रेजी सीखने में उनकी मदद की। परिणाम स्वरूप मून को संयुक्त राज्य में पढ़ने का अवसर मिला, जिसको पाना देश के एक विद्यार्थी के लिए कठिन था। वह अमेरिका गया और राष्ट्रपति कैनेडी से मिला। राष्ट्रपति कैनेडी ने उनसे पूछा कि उनका सपना क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक राजनीतिज्ञ बनना पसंद करूंगा। इस तरीके से उनसे मिलने के द्वारा उनको अपना सपने को पूरा करने के लिए बल मिला। मून अपने परिवार में बड़ा था और कठिन समय के कारण उनके सगे भाई बहनों को भीड़ भरे कमरे में पढ़ना पड़ता था। जब उनके माता पिता व्यस्त होते तो वो घर के काम करने में मदद कराते थे, जैसे कि लकड़ी काटते या सुअरों को इकट्ठा करते और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते। फिर भी उन्होंने इस परिस्थिति के लिए कभी भी शिकायत नहीं की, परंतु अपने माता पिता की मेहनत के बारे में सोचा।
आसपास के इन कठिन परिस्थितियों पर काबू पाते हुए मून ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और गांव में पैदा होने के कारण वो उन प्रगतिशील और अमीर बच्चों के सामने जो कि शहर से आए थे उनके सामने घबराते थे। फिर भी लगातार कोशिश करने से वो एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में पहचाने गए जिसने औरों से ज़्यादा मेहनत की, खासतौर पर उन शहरी बच्चों से। इन कठिन अनुभवों से उनको बुद्धिमानी और अगुवाई मिली जिसने मून की कठिन परिस्थितियों से उभरने में मदद की। कठिन परिस्थितियों में बढ़ने से उनको नम्रता और ईमानदारी जैसे गुण पाने में मदद मिली। इससे अधिक वह अनेक राजनीतिज्ञों से मिले जो कि हमेशा उनको नम्र और मेहनती होने में उनकी मदद करते थे। अंत में उन्हें यूएन सेक्रेटरी जनरल चुना गया। विरोधी उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला और एक गरीब देश से एक ऐसा लड़का जिसको यूनाइटेड नेशन द्वारा सहयोग किया गया और एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो विश्व शांति के लिए योगदान कर सका और कठिन परिस्थितियों में बच्चों की मदद कर सका। प्रिय मानमिन के सदस्यों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप कठिन परिस्थितियों में पड़ रहे हैं, आप स्वयं सोचें और ऐसे अंगीकार करें कि यह एक अच्छा वातावरण है, मेरा हृदय इससे और बड़ा और अधिक नम्र बनेगा। यदि आप अपना बेहतर करते हैं तो परमेश्वर आपके अंगीकार के अनुसार आपको देंगे और यह केवल पढ़ने के लिए ही नहीं परंतु जीवन के अन्य पहलुओं से भी संबंध रखता है। केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु को धार्मिकता के अनुसार नियंत्रित करता है। वह आशीष देगा जिन्होंने मेहनत की है। यदि परमेश्वर अविश्वासियों को इतनी अधिक आशीषें देता है जो शरीर के व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर जो उनमें विश्वास करते हैं उनको कितनी अधिक आशीषें देगा। बाइबल में आप उन गवाहों से मिल सकते हैं जो धर्मी परमेश्वर की गवाही देते हैं। बाइबल में कोई भी उस श्रेणी का विश्वासी अच्छी परिस्थितियों में नहीं रहा। परमेश्वर ने उनको चुना जो कठिनाइयों में जिए। शारीरिक व्यक्तियों का उसके लोगों के तौर पर उभर पाना कठिन था और उसने उनको ताकत दी और ये सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही संभव हुआ। यूसुफ इसका एक उदाहरण है। यूसुफ जब बच्चा ही था जब उसने अपनी माता को खो दिया और 17 साल की उम्र में उसके पिता से अलग कर दिया गया। उसके सौतेले भाइयों की उसको मार देने की इच्छा का भी उसने अनुभव किया और एक दास के तौर पर उसको बेच दिया। उसके बाद यूसुफ निम्नतम हुआ और कैदी बना। जबकि पीछे देखें तो यूसुफ ने जो कठिन परिस्थितियां समझी वो असफलता नहीं थी बल्कि प्रधानमंत्री बनने की शिक्षा पाने का एक अवसर था। इससे बढ़कर परमेश्वर ने उसके बचपन में सूर्य, चंद्रमा और 11 तारों का जो सपना दिया था वो उसके जीवन की विभिन्न स्थितियों को प्रकट करता है। क्या कारण था कि यूसुफ अपनी कठिन परिस्थितियों से उभर पाया और एक प्रधानमंत्री बना? परमेश्वर ने उसके हृदय में एक सपना दिया और उसने परमेश्वर को माना। दूसरे शब्दों में यूसुफ ने विश्वास किया कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ रहेगा। उसने यह भी विश्वास किया कि परमेश्वर उसके सपनों को सच करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी अपने जीवन में यूसुफ की तरह निवेदन करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ चलो, कृपा मुझे सामर्थ्य दो और मेरे मार्गों में मेरी अगुवाई करो। मानविन के सदस्य भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को यह अंगीकार करके मजबूत कर सकते हैं, पिता परमेश्वर मेरे साथ रहे। विश्वास की दृष्टि से एक कमजोर और कठोर वातावरण भी प्रेरितों के लिए एक आशीष है जो परमेश्वर को महिमा देते हैं। मानविन के विद्यार्थी और सदस्यों, मैं आशा करता हूं कि आप भरोसे के साथ विश्वासी बनेंगे जो पिता परमेश्वर के नाम में किसी भी कलेश या कठिन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, जैसे पिता परमेश्वर कुछ भी करने के योग्य हैं। मैं आशा करता हूं कि आप धार्मिकता से परमेश्वर को महिमा देने के योग्य होंगे। प्रिय सभा के सदस्यों, मैं आशा करता हूं कि आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने वातावरण में उपस्थित हर एक बाधाओं को पार कर लेंगे। जो भी है, जब आप अपने डेस्क पर अपनी किताब खोलते हैं, क्या आप अच्छे से पढ़ते हैं? विद्यार्थी जिन्होंने मेहनत की है वो लगातार अच्छा करेंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई में अभी मेहनत करना शुरू किया है वो उतना अच्छा नहीं कर सकेंगे जितना वो सोचते हैं।
वो जो अभी मेहनत कर रहे हैं वो 10 मिनट से भी कम समय में अपने डेस्क पर बैठने पर बेचैन हो जाते हैं और अपने डेस्क पर रखी चीज़ों को छूने लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ध्यान नहीं लगा पाते। अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तीसरी शर्त है बेकार के शारीरिक विचारों को दूर करना और ध्यान लगाने की ताकत। यह मायने नहीं रखता कि आप अपने डेस्क पर कितनी देर बैठे हैं। यदि आप ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते तो आप अच्छे से परिणाम नहीं पा सकते। पूरी तरीके से ध्यान लगाकर एक दिन पढ़ना लाभदायक होगा बजाय इसके कि बिना ध्यान लगाए हुए कई दिनों तक पढ़ते रहें। बेकार की बातों के साथ भरे हुए दिमाग के साथ पढ़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप बहुत से तीर चला रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसीलिए यदि आप मेहनत से पढ़ने के लिए निर्णय लेते हैं तो आपको ध्यान लगाने की योग्यता बनानी होगी और बिना शारीरिक विचारों के पढ़ना होगा। यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं लेकिन सभा में जवानों के लिए भी जरूरी है। यहाँ तक कि आप कलीसिया में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, यदि आप शारीरिक विचारों के साथ या थकी हुई आवाज में प्रार्थना करते हैं तो आपके विश्वास की उन्नति और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर धीमे हो जाएंगे। यदि संदेश को सुनते समय आपके पास शारीरिक विचार होते हैं तब कलीसिया में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को ग्रहण नहीं करते। यदि ऐसा है तो क्या आप एक दिन या फिर पूरा सप्ताह इन बेकार के विचारों के साथ बिताते हैं? इससे बढ़कर चाहे आप परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, यदि आप शारीरिक विचारों के साथ करते हैं तब ऐसी चीजें जो एक दिन में पूरा हो सकती हैं वो 2 या 3 दिन में पूरी होंगी। ये सब ध्यान न लगाने की कमी के कारण है। तो किसी के दैनिक जीवन में कितना बेकार है ये। इसीलिए सबसे पहले हमें बेकार के शारीरिक विचारों को दूर करना है और जो भी है जिन्होंने इन शारीरिक विचारों का अनुभव किया है वो जानेंगे कि आप ऐसे विचारों के बारे में नहीं सोचने की कोशिश करते और इसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। बेशक यह विश्वास के प्रत्येक स्तर पर अलग अलग है। वो जो विश्वास के पहले स्तर पर हैं वो इन शारीरिक विचारों को दूर करने में हार जाएंगे और वो जो विश्वास के दूसरे स्तर में है वो ना चाहते हुए भी इन विचारों को सोचते हैं। लेकिन जो विश्वास के तीसरे स्तर में है वो इन बेकार के विचारों को काबू करने की कोशिश करते हैं। विश्वास का चौथा स्तर अलग है। हालांकि वो चौथे स्तर में अगर कुछ सोचना चाहे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है तो वो आसानी से ऐसा नहीं कर पाएंगे और साधारणतः वो अयोग्य होंगे। विश्वास के पांचवें स्तर में यदि वो चाहें तो भी वो बेकार के विचार और शारीरिक विचारों को नहीं सोच पाएंगे। साधारणतः वो कुछ भी गंदा या पाप से भरा नहीं सोचते। ये कुछ ऐसा है जो संपूर्ण आत्मा में पहुंच गए हैं, उन्होंने सब कुछ अनुभव किया है। इसीलिए यदि कभी भी संपूर्ण आत्मा के व्यक्ति के आगे कुछ घृणित है तो वो कभी भी नफरत नहीं करेंगे क्योंकि जो संपूर्ण आत्मा में है वो केवल अच्छा ही ग्रहण करते हैं। ऐसा इसलिए है कि संपूर्ण आत्मा के लोग उनसे जो दूसरों के साथ शांति भंग करते हैं और दूसरों के बारे में असुविधाजनक महसूस करते हैं, यदि आसपास में कोई ऐसा है जो घृणित कार्य कर रहा है तो संपूर्ण आत्मा के लोग अप्रसन्न नहीं होंगे और नफरत से भरा नहीं सोचेंगे बल्कि परीक्षा और मुसीबतों को पार कराने में उनकी मदद के बारे में सोचेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो संपूर्ण आत्मा में है वो कोई पाप नहीं कर सकते, ना तो विचारों में और ना ही अपने कार्यों में। इसीलिए आप सबको भी पांचवें स्तर की भलाई को समझने के लिए इन सब चीजों का अनुभव करना चाहिए। तब हम कैसे इन अदृश्य चीजों को निकाल सकते हैं? मूलतः हमें पहचानना है और हटाना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्यों लोग बेकार के शारीरिक विचारों को सोचते हैं। कोई इसको परिभाषित कर सकता है कि बेकार के बहुत सारे विचारों को अपने दिमाग में इकट्ठा करना। जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या आप भी ऐसे शारीरिक विचारों को सोचते हैं? वो विचार जो पढ़ाई करते समय जरूरी नहीं है उन्हें शारीरिक विचार कहते हैं।
वे कौन कौन से शारीरिक विचार हैं जो मानविन के विद्यार्थियों को विचलित करते हैं? मुख्य तौर से ये गेम्स हैं, सेलिब्रिटीज से मिलना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और सांसारिक चीज़ें हैं। फिर भी हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि सांसारिक बातों से प्रेम नहीं रखना चाहिए। पहला यहूना 2:15-16 पद कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। दूसरे शब्दों में, जो संसार से प्रेम रखते हैं वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यही मैं आपको प्रचार करता रहूंगा कि इन सांसारिक चीज़ों को दूर करें, क्योंकि पिता परमेश्वर के सच्चे प्रेम को अनुभव करने का एकमात्र तरीका यही है। प्रार्थना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, वचन सुनना और संदेशों को पढ़ना, यहाँ तक कि आप शारीरिक विचार को सोचने की कोशिश नहीं करते, फिर भी बार बार आपके ये विचार आते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि आपने अपने जीवन में जो भी सांसारिक चीज़ें देखी या सुनी हैं वो आपकी याददाश्त में आपकी भावनाओं के साथ इकट्ठी हो चुकी हैं। आपको समझाने के लिए मैं संक्षेप में किसी के विचारों के कार्यों को समझाऊंगा। मनुष्य के दिमाग में याददाश्त होती है। इस याददाश्त में बहुत सी चीज़ें इकट्ठी होती हैं जो कि जन्म से देखी और सुनी हैं। फिर से यह ज्ञान दोबारा उत्पन्न होता है और विचार बन जाते हैं। हम इसकी तुलना एक कंप्यूटर से कर सकते हैं। जब कोई कंप्यूटर में एक एप्पल शब्द को ढूंढता है तो एप्पल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। हमारी याददाश्त भी इसी तरीके से है। जब आप एक सेब को देखते हैं तो अचानक से सेब से संबंधित याददाश्त आ जाती है। इस तरीके से भावनाओं का याददाश्त पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो भी बीते समय में हमने देखा और सुना है वो भावनाओं के साथ याददाश्त में इकट्ठा होता है। समय की कमी के कारण मैं संदेश को यहाँ रोकूंगा और समापन प्रार्थना में जाऊंगा।